गरम पोस्ट को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव एक बार फिर से पटना छोड़कर गायब हो गए हैं। मीडिया के मुताबिक तेज प्रताप यादव फिलहाल कहां हैं इसकी सूचना अभी किसी को नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के शौकीन तेज प्रताप यादव फिर से उत्तर प्रदेश के किसी धार्मिक शहर चले गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि घर से दूर रह रहे तेज प्रताप यादव अब पटना तभी वापस लौटेंगे जब उन्हें नया बंगला अलॉट किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 नवंबर को तेज प्रताप ने अपनी शादी के 5 महीने बाद पत्नी ऐश्वर्या राय को तलाक देने की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई 21 नवंबर को हुई। तेज प्रताप यादव तलाक की अर्जी देने के बाद से ही घर से दूर रह रहे हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते में तेज प्रताप यादव पटना पहुंचे थे और उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपनी हाजिरी भी लगाई थी। हालांकि वे इस दौरान भी अपने घर नहीं गए। उनके करीबियों की माने तो तेज प्रताप के तलाक देने की जिद ठान रखी है और जानकारी के मुताबिक उनकी पत्नी ससुराल में राबड़ी के पास उनके आवास में ही रह रही हैं। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप इसी वजह से घर नहीं जा रहे हैं। वो अब राबड़ी आवास नहीं जाना चाहते हैं और उन्होंने सरकार से एक अलग बंगले की मांग की है। इसके लिए उन्होंने राज्य के भवन निर्माण मंत्री को पत्र भी लिखा है और आवास की मांग की है। तेज प्रताप के करीबियों का कहना है कि उन्हें नए बंगले के आवंटन का इंतजार है। तेज प्रताप तभी घर आएंगे जब उन्हें नया बंगला मिल जाएगा। गौरतलब हो कि उन्होंने भवन निर्माण मंत्री को पत्र लिखकर पटना के टेलर रोड स्थित 2 नंबर बंगले की मांग की है। बता दें कि तेज प्रताप को पहले देश रत्न मार्ग का 3 नंबर बंगला आवंटित था, लेकिन मंत्री पद जाने के बाद दारोगा रायपत में 2 फ्लैट उनके नाम पर आवंटित किया गया। बताया जा रहा है कि घर उन्हें पसंद नहीं है और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव अपने घर वापस नहीं लौट रहे हैं। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।